मेडिटिप्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपिका खत्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मनोविकास स्पेशल स्कूल से। आज हम ऑटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। सबसे पहले अपन ऑटिज्म के बारे में पता करते हैं। ऑटिज्म कॉमन 5 सेंसेस पे काम करता है। अपने कॉमन 5 सेंसेस हैं विजन, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट। अगर ये कॉमन 5 सेंसेस अपने सही तरीके से काम नहीं करते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन तक ढंग से नहीं पहुंच पाती है, उसको ऑटिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ सुना ही नहीं देगा तो आपको ब्रेन से मैसेज नहीं मिलेगा और ब्रेन अपनी बॉडी को मैसेज नहीं दे पाएगी और फिर आप वो वाला काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ ढंग से देख ही नहीं पाएंगे, किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देख पाएंगे, तो आप उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे या उसको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कि एप्पल, अगर मैंने आपको बोला है कि एप्पल कैसा होता है तो आप उसको पहचान लेंगे कि A4 एप्पल होता है, रेड कलर का होता है, उसका शेप आपको समझ में आ जाएगा। यही समझ की दिक्कत है। आपको वो विजन में भी पता चल रहा है, सुनने में भी पता चल रहा है और टच में भी पता चल रहा है और टेस्ट में भी पता चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एप्पल बोला है वो कैसा होता है, कौन से रंग का होता है और टेस्ट कैसा है। इस तरीके से अगर ऑटिस्टिक बच्चे को अपन कुछ भी बोलेंगे या समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी सेंसेशन यहाँ पर वीक हो जाती है, वो मैसेज नहीं ले पाता है अपने ब्रेन तक और फिर वो चीज़ को कर नहीं पाता है। और ऑटिज़म 2 साल के पहले पहले नहीं होता है, ऑटिज़म 2 साल के बाद ही होता है। ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या होते हैं हम उस पर बात करेंगे। आई कांटेक्ट नहीं रहता है बच्चे में और एक जगह पर नहीं रुकता है, सिटिंग नहीं रहती है। बच्चा हर खिलौना लाइन से जमाता है, नॉर्मल खिलौनों में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी से बात नहीं करने का इंटरेस्ट होता है और ग्रुप में उन बच्चों को बुरा लगता है या तो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है और बच्चों को एक कोने में बैठना पसंद आता है इन बच्चों को, और इन बच्चों को लाइट में देखना पसंद है और इन बच्चों को हाथ हिलाना पसंद है, फ्लिपिंग ऑफ हैंड। इन बच्चों को ज़्यादातर अकेले रहना पसंद है या तो फिर मोबाइल ज़्यादा पसंद आता है इनको, मोबाइल या टीवी, या तो फिर इन बच्चों को घूमती हुई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, जैसे पंखे को देखना या तो फिर किसी भी चीज़ को घुमाते रहना कंटिन्यू, उनको देखते रहेंगे, या तो फिर इन बच्चों को बाहर रहना ज़्यादा पसंद आता है। ऑटिज़म का ट्रीटमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को अपन हाइपर एक्टिव बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देंगे, हैंड फंक्शन थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे ताकि बच्चे रिलैक्स हो सकें, उनका अटेंशन प्रॉपर इंप्रूव हो सके, राइटिंग इंप्रूव हो सके, सिटिंग इंड्योरेंस इंप्रूव हो सके और उनका बिहेवियर इंप्रूव हो जाए। ऑटिज़म के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे।